ई स्टैम्प पेपर को आप ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको कोई भी स्टैम्प बनाना होगा, एफिडेविट या फिर कुछ एग्रीमेंट करना होगा, तो स्टैम्प पेपर में ही आपको ये ज़रूरत होता है। तो ऑनलाइन आपको कैसे जनरेट करते हैं, मैं आज किस वीडियो में आपको प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक लिंक पर आना होगा, इसका लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। तो वीडियो के नीचे आना है, सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर आपको मिल जाएगा एक एप्लीकेशन का लिंक, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। अगर आपके पास ऐसी आईडी नहीं है, बैंकिंग आईडी नहीं है, तो यहाँ पर आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो अगर आप इसमें रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको कोई भी फीस देने की जरूरत नहीं है। इसके बाद नीचे ही देखिए वेबसाइट लिंक लिखा है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप इस वाले पेज पर आएंगे, आपको थोड़ा सा नीचे नहीं, यहाँ पर देखिए ई स्टैम्प पेपर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लिखा है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर डिटेल्स में आपको बताया गया कि आप कैसे एक स्टैम्प पेपर को जनरेट कर सकते हो फ्री में, लेकिन आपको जो भी पैसे होता है, जैसे कि 20 रुपीज़ का आपको स्टैम्प पेपर जनरेट करना होगा, तो 20 रुपीज़ तो आपको पे करने ही पड़ेंगे। यानी कि अगर आपको 10 रुपये का स्टैम्प पेपर चाहिए तो आपको 10 रुपये ही पेमेंट करने हैं। लेकिन जैसे कि आप एडवोकेट के पास जाते हैं तो जितना रुपये वहाँ पर आपको चार्ज लगता है, यहाँ पर आपको उतना नहीं पड़ेगा। जितने का आपको स्टैम्प पेपर चाहिए उतना ही आपको पे यहाँ पर करना पड़ेगा ऑनलाइन ही। तो यहाँ पर आपको डिटेल्स में बताया गया है, यहाँ पर देखिए फर्स्ट है जस्ट गो टू द ऑफिशियल लिंक लिखा है, क्लिकर है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक यूजर आईडी और पासवर्ड सेटिंग करना होता है। अगर आपके पास यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है तो आप यहाँ पर लॉगिन नहीं कर सकते, जैसे कि मेरे पास है तो मैं यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करता हूँ। लेकिन अगर आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है फ्री में तो आप किस तरह से करेंगे, फिर से आपको वीडियो के नीचे नहीं, आपको मिल जाएगा एक वीडियो का लिंक जहाँ पर आपको लिखा हुआ ई स्टैम्प पेपर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फुल वीडियो। तो आपको इस वीडियो को कम्प्लीटली देखना होगा, तभी जाके आप इसमें आईडी पासवर्ड बना सकते हैं। आईडी पासवर्ड बनने के बाद आप बहुत ही आसानी के साथ इसमें स्टैम्प जनरेट कर सकते हैं, जो कि मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले अपना यूजर नेम पासवर्ड और कैप्चा देने के बाद गेट ओटीपी में क्लिक करना है। अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उसको एंटर करने के बाद आप लॉगिन हो जाओगे। ओटीपी डालते ही आप इस वाले पेज पर आएंगे, यानी कि आपका इंटरफेस हो जाएगा आपके होम पेज का, बहुत ही सिंपल है। आप इसमें बहुत ही आसानी के साथ स्टैम्प पेपर जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे मेन्यू मिल जाएगा, लेकिन आपको जो काम वाला चीज़ है यहाँ पर है पेमेंट सर्विसेज, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। नीचे देखिए परचेज ई स्टैम्प पेपर लिखा है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ से आप खरीद सकते हैं कोई भी स्टैम्प पेपर, जितना रुपये का अगर आपको चाहिए तो उतना रुपये का आप यहाँ पर खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर है, सबसे पहले आपको फॉर्म को फिल करना होगा, यहाँ पर आपको पेमेंट करना होगा जितना रुपये का आपको चाहिए। तो मैं आपको देखिए लाइव दिखाने वाला हूं, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। यहां पर सबसे पहले है परपोज ऑफ पेमेंट, आप किस लिए ये पेमेंट करना चाहते हैं, तो आपको यहां पर क्लिक करना है। टू रजिस्टर डॉक्यूमेंट या फिर नॉन रजिस्टरिंग डीड टाइप्स, जैसे कि मैं नॉन रजिस्टरिंग पर क्लिक करता हूं। यहां पर आपको डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, तो अपना डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद आपको आपका आर्टिकल सिलेक्ट करना होगा, जैसे कि आपको किस प्रकार की एफिडेविट चाहिए या फिर आपको एग्रीमेंट करना है, किस तरह से करना है, बहुत सारे तरीके हैं। यहां पर आपको बॉन्ड लिखना है या फिर डिवोर्स है या फिर गिफ्ट देना है, लीज है, जो भी है यहाँ से आपको कैटेगरी मिल जाएगा। तो जिस भी तरीके का आपको स्टैम्प पेपर में मेंशन करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं एफिडेविट करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ एफिडेविट पर। यहाँ पर आपको फर्स्ट पार्टी नेम आपको यहाँ पर लिखना है, सेकेंड पार्टी नेम आपको यहाँ पर लिखना है। फर्स्ट पार्टी नेम तो आपका नाम आ जाएगा, लेकिन सेकेंड पार्टी नेम पे अगर आप एफिडेविट कर रहे हैं तो आपको ये दरकार नहीं होगा। लेकिन अगर आप एग्रीमेंट करते हैं, जैसे कि लीज हो गया या फिर किसी को आप भाड़े पे चला रखे हैं या फिर किसी के वहाँ आप भाड़े में रह रहे हैं, उसका एग्रीमेंट करना होगा, तो फर्स्ट पार्टी में ओनर का नाम होता है और सेकेंड पार्टी में जो किराए में रहता है उसका नाम होता है। लेकिन हमारे केस में क्या होगा, तो हम सिर्फ अपना नाम डालेंगे और सेकेंड पार्टी नेम जो है यहाँ पर आपको नील लिखना होगा। यहाँ पर लिखा भी है एंटर नील इफ़ नॉट एप्लीकेबल, तो हमारे केस में नहीं है, तो यहां पर हम नील लिखेंगे। इसके बाद स्टैम्प ड्यूटी पेड बाय, कौन पे कर रहा है आपको यहाँ पर लिखना है। अगर आप पे कर रहे हैं तो आप कीजिए, नहीं तो अगर आप लीज एग्रीमेंट जो भी करना चाहते हैं तो उस ओनर का नाम डालिए। इसके बाद परपोज ऑफ स्टाम्प, आप किस लिए करना चाहते हैं, आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करना होगा, थोड़ा सा ही सही लेकिन करना होगा। इसके बाद आपको पेन नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास है तो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर आपको अपना टोटल अमाउंट लिखना होगा, जैसे कि मैं 10 रुपये का करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं 10 लिख दूंगा। इसके बाद मैं प्रोसीड टू पे पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर क्लिक करते ही आपके सामने एक कन्फर्मेशन पेज आएगा, आपको यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक करना है। इसके बाद ये वाला पेज पे आपको आना है, इसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है। यहाँ पर देखिए क्या है, चैनल ऑफ पेमेंट, आपको किस तरह का पेमेंट करना है, जैसे कि ऑनलाइन पेमेंट है और पेमेंट इन एनी SBI काउंटर। अगर आप सेकंड वाले चूज़ करोगे तो एक रिसिप्ट निकलेगा, उसको आपको बैंक में जमा करना होता है, वो करने के बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर से ऑनलाइन करना होता है। लेकिन वो झंझट आप क्यों ले, आपको सबसे पहला ऑप्शन चूज़ करना है ऑनलाइन पेमेंट। इसके बाद नेक्स्ट है देखिए नेम ऑफ पेमेंट गेटवे, पंजाब नेशनल बैंक या फिर SBI ई पे, जैसे कि मैं SBI ई पे पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं सबमिट पर क्लिक करता हूँ।
अभी आपके सामने इस टाइप का पेज ओपन हो जाएगा। अभी आपको थोड़ा सा नीचे आना है, यहाँ पर देखिए बैक टू डिपार्टमेंट पोर्टल लिखा है, इसके बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट। तो यहाँ पर आपको क्लिक करने से पहले आपको क्लिक करना होगा यहाँ पर, इसके बाद आपको प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करना है। अभी आपका बैंक का डिटेल्स देना होगा, जैसे कि नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, भीम यूपीआई के जरिए भी आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि मैं नेट बैंकिंग करूंगा, इसके बाद एसबीआई करूंगा और पे नाउ पर क्लिक करूंगा। आईडी पासवर्ड के जरिए मैं पेमेंट कर लूंगा। आपके बैंक अकाउंट में जो भी मोबाइल नंबर लिंकेज है उसमें एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालने के बाद आपको कंफर्म करना होगा। यहाँ पर देखिए पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। अभी आपको ऑटोमेटिकली ले जाएगा उस वेबसाइट पर जहाँ पे आपने ऑनलाइन किए थे। यहाँ पर आपको मिल जाएगा एक रिसिप्ट, देख सकते हो यहाँ पर दो ऑप्शन है, स्टैम्प और प्रिंट का। तो अगर आप प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो प्रिंट आउट ही निकलेगा, लेकिन हमको स्टैम्प पेपर ही जनरेट करना है, इसीलिए हम स्टैम्प पर क्लिक करेंगे। देखिए आपका फाइल डाउनलोड हो चुका है। अभी आपको यहाँ पर क्लिक करके इस फाइल को ओपन करना होगा। देखिए आपका स्टैम्प जनरेट हो चुका है। सो इस तरीके से आप इस स्टैम्प पेपर ऑनलाइन मंगा सकते हैं या फिर बना सकते हैं, जो भी आपको काम है बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। अगर आपको इसका आईडी पासवर्ड नहीं है या फिर नहीं पता कैसे देते हैं तो वीडियो के नीचे आना है, सबसे पहले वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। और नीचे देखिए आपको एक वीडियो का लिंक मिलेगा, रजिस्ट्रेशन फुल प्रोसेस बोल के स्टैम्प पेपर का, वहाँ पर क्लिक करके उस वीडियो को आप देख के जान सकते हो कि कैसे यूजर आईडी और पासवर्ड लिया जाता है।